पहाड़ी क्षेत्रों के लिए खुशखबरी है। अब ब्रह्मकुमारी संस्था नई मिनी मोबाइल वैन के जरिए दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में भी ईश्वरीय सेवाएं करेगी, जहां ब्रह्मकुमारी इसके सेवा केंद्र नहीं है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब हरियाणा के दुर्गम इलाके। वैसे तो संस्था की कई वैन और बसें मोबाइल सेवा करती रही हैं, लेकिन खास पहाड़ी क्षेत्रों के लिए लंबे समय से इस तरह की कॉम्पैक्ट मोबाइल वैन की जरूरत थी, जो आज जाकर पूरी हुई है। ब्रह्मकुमारी चीफ दादी रतन मोहिनी जी ने आज इस वैन का उद्घाटन किया और वैन को जम्मू कश्मीर की सेवा के लिए रवाना किया। ब्रह्मकुमारी चीफ दादी रतन मोहिनी ने आज शांतिवन से सेवा के लिए नई मोबाइल वैन की शुरुआत की। दादी ने वैन की पूजा कर नारियल फोड़ा और इस नई वैन की चाबी संचालक बीके सचिन को दी। बीके सचिन अब दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में इस मोबाइल वैन के माध्यम से 5 साल तक सेवा करेंगे। ये गाड़ी प्रतिदिन 2000 लोगों की सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों को लेकर सेवा करेगी। वैन में बहुत बड़ी LED स्क्रीन और लाइट और साउंड के पावरफुल सिस्टम भी लगाए गए हैं। वैन की दूसरी तरफ एक शानदार झांकी सजाई गई है, जिसमें अज्ञान रूपी कुंभकर्ण को सोते हुए दिखाया गया है। साथ ही श्वेत वस्त्रधारी दो ब्रह्मकुमारी बहनें भी झांकी में हैं, जो कुंभकर्ण को अज्ञान निद्रा से जगा रही हैं। ये वैन हॉस्पिटल, स्कूल और विभिन्न संस्थाओं में जाकर लोगों को कई विषयों पर अवेयर करेगी। कुल मिलाकर ये वैन पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए परमात्मा का वरदान साबित हो सकती है। मोबाइल वैन से जुड़ी सेवाओं के बारे में मोबाइल वैन संचालक बीके सचिन से बात की हमारे रिपोर्टर बीके ज्योति ने। आइए सुनते हैं। ओम शांति। महिला सशक्तिकरण, बाल संस्कार और तनाव मुक्ति, योगिक शाश्वत खेती प्लस नशा मुक्ति, ऐसे बड़े उद्देश्यों को लेकर आज ब्रह्मकुमारी हेडक्वार्टर से एक मोबाइल वैन तैयार की गई है, जिससे कई तरह की सेवाएं होंगी। हमारे साथ हैं बीके सचिन, वो हमें जानकारी देंगे, इसके डिटेल्स बताएंगे इस वैन के बारे में। ये 20 साल से हम ये मोबाइल वैन की सेवा कर रहे हैं। अभी तो हम देख रहे हैं कि LED है, कुंभकर्ण शो दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले हम जो सेवा करते थे वो प्रोजेक्टर शो के माध्यम से हम सेवा करते थे, लेकिन इस मोबाइल वैन से अभी इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से होगी और जम्मू कश्मीर होते हुए सारा भारत भ्रमण करेंगे। ये सारे 5 साल में पूरा भारत भ्रमण हम करेंगे। क्या आप स्कूलों में, हॉस्पिटल में किस तरह से इसको लेकर जाएंगे? जब हम स्कूल में जाते हैं तो उन्हें नशा मुक्ति के बारे में, क्योंकि आजकल के बच्चे जो होते हैं स्कूल में ही बीड़ी, तंबाकू, गुटखा का सेवन करते हैं। वहाँ हम स्कूल में जाते हैं तो कहीं 1000, कहीं 2000, ऐसे 5000 लोग भी एक साथ बैठते हैं ना, तो ये LED स्क्रीन इतना बड़ा है तो दूर से भी दिखाई देता है। तो हम लगभग रोज का 2000 लोगों को संदेश देते हैं, 3-4 स्कूल होते हैं और 6-7 गांव में रोज जाते हैं। भाई जी, शायद आपने बताया था मुझे कि हॉस्पिटल में भी आप जाएंगे, वहाँ किस तरह की सेवाएं करेंगे आप? क्योंकि हॉस्पिटल में भी हम दिखा देते हैं उनको कैसे मेडिटेशन किया जाता है, मेडिटेशन परमात्मा को याद कैसे करते हैं, उनके ऊपर हम मेडिटेशन की वीडियो दिखाते हैं और उनको जानकारी देते हैं। योगिक खेती के बारे में भी आप किसानों को बताएंगे, क्योंकि ये वैन जो है हमारी काफी इंटीरियर इलाकों में, गांवों में जाएगी जहां ब्रह्मकुमारी के सेवा केंद्र नहीं है, तो वहां आप कैसे इससे सेवाएं करें? ऐसी जो खेती है जहां पर कोई केमिकल नहीं होता है, परमात्मा की याद में खेती करते हैं, तो वो लोगों को हम जानकारी देते हैं और वो लोग जब सुनते हैं कि 1 रुपया खर्चा भी नहीं लगता है तो उनको बहुत खुशी होती है। कोई अपने क्षेत्र में इस मोबाइल वैन के जरिए सेवाएं कराना चाहता है तो क्या आप कर सकते हैं? अरे, ये पर्सनल सेवा नहीं है, ये विद्यालय के माध्यम से सेवा होती है और जो भी बहने हमें फ़ोन लगाती है तो हम उनको ये टाइम देते हैं, तारीख देते हैं, उस समय हम ये सेवा की शुरुआत करते हैं। पीस न्यूज़ के लिए बीके जैतिन के साथ मैं बीके ज्योति। ओम शांति।